तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। देन आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 से 5 स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूज के बारे में। यस गाइस, काइजू नंबर 8 एक नया एनिमे आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हमने जो हम भी इसको लपेट ही लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूज के बारे में। 10 स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, बस 10 की लिस्ट कौन ही देखता है। अगर आपको 10 की लिस्ट देखनी है तो मुझे कमेंट करना, मैं 10 के ऊपर और बना दूंगा वीडियो। तो आज की वीडियो में होने वाले हैं 5 स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूज, उनकी पावर, उनकी हिस्ट्री, और उनको रैंक करेंगे 5 से लेके 1 तक। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। चैनल डेड हो चुका है, चैनल को चाहिए अब ग्रोथ, तभी मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, हमारे पास जो सबसे पहला काइजू आता है वो आता है हमारे पास काइजू नंबर 2। तो काइजू नंबर 2 एक आइडेंटिफाई काइजू है जो कि दूसरा ऐसा काइजू है जिसको एक नंबर दिया गया था। और हाँ, ये डिफेंस फोर्स के हाथों मारा गया था एंड कन्वर्टेड कर दिया गया था एक वेपन में, जिसको यूज़ करते हैं इजाओ शिनोमिया, जो कि जर्नल है काइजू हंटिंग डिपार्टमेंट के। और हाँ, ये वेपन इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ये बड़े से बड़े टाउन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हाँ, लास्ट में आकर काइजू नंबर 2 को काइजू नंबर 9 ने एब्जॉर्ब कर लिया था, पर भले ही काइजू नंबर 2 एक बहुत ही ओवरपावर्ड करेक्टर है। 1972 में जब काइजू नंबर 2 ने अटैक किया था सफारो सिटी में, तो उसने उस सिटी को लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाँ, वो वहाँ पर डिफेंस फोर्स के हाथों मारा गया था, पर वहाँ उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। जो अगर हम बात करें काइजू नंबर 2 की पावर्स के बारे में, तो उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है उसके पास। एंड जब जनरल आजायो हैं वो इस वेपन को यूज़ करते हैं, तो उन्होंने अपने इस वेपन से काइजू नंबर 8, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूस है, उसको भी हैवनली इंजर्ड कर दिया था काफ़ी ज़्यादा। तो सोचो कि काइजू नंबर 2 कितना ज़्यादा ओवरपावर्ड होगा। एंड कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी अपने काइजू के पास आती हैं, जैसे कि आती है सोनिक अटैक, इमेंस रेजिस्टेंस, एनर्जी इमेशन। हाँ, काइजू नंबर 2 एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4th पे हमारे पास हमारा काइजू नंबर 1। काइजू नंबर 1 को कहा जाता है फ्यूचर साइट काइजू, और एक पहला ऐसा काइजू है जो कि आइडेंटिफाई किया गया था, जिसको सबसे पहले नंबर दिया गया था, तब इसका नाम है काइजू नंबर 1। काइजू नंबर 1 को किल्ड कर दिया गया था डिफेंस फोर्स के द्वारा, एंड इसको एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इस वेपन को यूज़ करते हैं हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्स के मेंबर जेन नारोमी, जो कि फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन हैं। इस वेपन के मिलने के बाद जेन नारोमी काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गए थे, तो इस लिस्ट में हम दोनों को कवर करेंगे। जेन नारोमी और काइजू नंबर 1 दोनों अब एक ही हैं, तो दोनों को हम एक ही मानेंगे। तो इसकी जो मेन पावर है वो है सूडो फोरसाइट। तो इससे वो क्या करता है, इससे वो किसी भी अपोनेंट की वीकनेस को पता कर सकता है। अगर काइजू नंबर 1 के आगे कोई भी अपोनेंट लड़ रहा है, तो वो उसकी वीकनेस को पता कर लेगा एंड उस अपोनेंट को मार देगा। तो हाँ, मैं आपको इतना बता देता हूँ, अगर कोई भी जो डिफेंस फोर्स का मेंबर है वो किसी काइजू को मारकर उसका वेपन बनाता है, तो उस काइजू की सारी पावर्स उस वेपन में आ जाएंगी, एंड जो डिफेंस फोर्स का मेंबर उसे यूज़ करता है वो काइजू की सारी पावर्स को यूज़ कर पाएगा। तो काइजू नंबर 1 की जब फाइट हुई थी काइजू नंबर 11 से, तो जेन नारोमी ने अपनी पावर से काइजू नंबर 11 को मार डाला था, इसलिए काइजू नंबर जो 1 है वो हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर है। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे है अपना काइजू नंबर 8, जिसका फोर्टिट्यूड लेवल है 9.6। काइजू नंबर 8 के बाद सबसे ज़्यादा फोर्टिट्यूड लेवल अपने काइजू नंबर 6 का ही है, और काइजू नंबर 6 को कहा जाता है किंग ऑफ काइजू। इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था 10 साल पहले डिफेंस फोर्स के द्वारा, एंड इसको स्टोर करके रख दिया था डिफेंस फोर्स में, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि काइजू नंबर 6 की पावर को यूज़ कर सके। बट मांगा में स्पॉइलर दे रहा हूँ, तो जिसको स्पॉइलर नहीं चाहिए वो वीडियो यहीं पर थोड़ी सी आगे कर सकते हैं। तो इस वेपन को यूज़ करता है अपना लेनो इचिकावा, जो कि अपनी सूट की 43% पावर को अभी तक यूज़ कर पा रहा है, और अभी भी वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड है कि वो किसी भी काइजूज को डिफीट कर सकता है, सिवाय काइजू नंबर 9 और काइजू नंबर 8 के। तो हाँ, काइजू नंबर 6 ने जब 10 साल पहले अटैक किया था, तो उसने 200 डिफेंस फोर्स के मेंबर साथ ही साथ 3 कैप्टन्स को मार डाला था, जिससे आप काइजू नंबर 6 की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। काइजू
एंट्री नंबर 6 की जो मेन पावर आती है वो आती है कायरोकिनेसिस। कायरोकिनेसिस मींस आइस को कंट्रोल करना। तो जब लेनो इचिकावा को ये पावर मिलती है तो वो आइस के बड़े बड़े स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, आइस के अटैक्स कर सकता है, किसी को भी जमा सकता है, मतलब आइस की हर टाइप की पावर को यूज़ करता है। और अभी लेनो अपनी 43% पावर को इस्तेमाल कर रहा है और आगे चल के वो अपनी सूट की 80% पावर को भी इस्तेमाल करेगा और वो इतना ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और शायद हमारी लिस्ट में काइजू नंबर 6 जो है वो और ऊपर आ जाए। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे अपने सीरीज का मेन करेक्टर काइजू नंबर 8 कास्का। हाँ, तो इसका 42 लेवल है 9.8 जो कि पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा है। तो हमको इसका ओरिजिन एनिमे में दिखा ही दिया गया है कि एक छोटा सा काइजू जो होता है वो कास्का के अंदर चले जाता है, मुंह के अंदर, जिससे जो अपना कास्का है वो एक काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर में। और काइजू नंबर 8 की जो अपने कास्का की सबसे तगड़ी बात जो है, सॉरी मैं इसका नाम कास्का ले रहा हूँ, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि ये अपने काइजू को फुल्ली कंट्रोल कर सकता है। अभी तक इसने अपने काइजू की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया है, पर जितने भी पोटेंशियल को अभी तक इसने इस्तेमाल किया है बहुत ओपी पोटेंशियल है। इसने एक ही पंच में काइजू नंबर 9 की गर्दन को अलग कर दिया था एंड अपने सीरियस पंच में काइजू नंबर 8 एक सिटी को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अपने काइजू नंबर 8 एक डाई काइजू है जो कि एक ह्यूमनॉइड काइजू है एंड वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इसके पास सोनिक स्क्रीम्स के अटैक हैं जिससे अपनी स्क्रीम से ही अपने अपोनेंट को हरा सकता है। और हाँ, काइजू नंबर 8 इज सो पावरफुल। काइजू नंबर 8 के पास एनर्जी ब्लास्ट की पावर भी हैं जिससे वो अपने अपोनेंट को इंजर्ड कर सकता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है अपना काइजू नंबर 9। तो काइजू नंबर 1 सीरीज में दिखाया गया सबसे ज़्यादा पावरफुल काइजू है। काइजू नंबर 9 को अभी तो एनिमे में दिखा दिया गया है, बट काइजू नंबर 9 वन ऑफ द स्मार्टेस्ट काइजू है अभी तक का दिखाया जो सीरीज में। और हाँ, जो अपना काइजू नंबर 9 है वो अपने इस सीरीज का मेन विलन आप इसे मान सकते हो। ये एक पतला सा ह्यूमनॉइड काइजू है एंड हाँ, सबसे ज़्यादा पावरफुल काइजू यही है। और हाँ, जब मांगा में जब इसने सारे काइजूज को एब्जॉर्ब कर लिया था, हाँ काइजू नंबर 9 ने सारे के सारे जो काइजू से उनको एब्जॉर्ब कर लिया था एंड वो इतना ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका था कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ चुकी थी, जैसे कि इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, इमेंस रिफ्लेक्सेस, इमेंस ड्यूरेबिलिटी, शेप शिफ्टिंग। काइजू नंबर जो 9 है वो किसी का भी अपेयरेंस को ले सकता है एंड साथ साथ उनकी मेमोरीज, उनकी पावर्स भी ले सकता है। उसके पास काइजू नंबर 9 के पास पावर आती है फ्यूजन की, वो किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और काइजू नंबर 9 की हीलिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि वो अपने एक स्किन के टुकड़े से भी वापस से रिवाइव हो सकता है। काइजू नंबर 9 के पास आती है काइजू क्रिएशन की पावर, जिससे वो बहुत से काइजूज को क्रिएट कर सकता है, जैसे कि उसने काइजू नंबर 11, काइजू नंबर 12, काइजू नंबर 15 को क्रिएट किया था डिफेंस फोर्स से लड़ने के लिए। काइजू नंबर 9 काइजूज को कंट्रोल भी कर सकता है जिनसे वो अपनी आर्मी तरह के बना सकता है। एंड काइजू नंबर 9 के पास एनर्जी अटैक भी आते हैं। जब काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 एंड काइजू नंबर 9 से फ्यूज हो चुका था तो उसके पास एक हाईली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अटैक्स आ गए थे एंड वो अपने मुंह से लाइटनिंग मार रहा था। एंड काइजू नंबर 9 फोर्स फील्ड भी बना सकता है जिससे वो किसी भी अटैक से बच सकता है। सो आज की लिस्ट इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड प्लीज़ चैनल पे आते रहना। बाय बाय, सायोनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।